हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ। क्लास टेंथ है, एक्सरसाइज है हमारे पास 7.1। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था सेवन्थ चैप्टर का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में। देखो, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ देम द पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनके बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, 2, 3 और 4, 1। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने में हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास है x1 - x2 का होल स्केयर प्लस y1 - y2 होल स्केयर। ये ज़रूरी नहीं हमारे पास x2 - x1 लिखे या x1 - x2 लिखे, क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 या 2, अगर हम x2 - x1 लिखे, x1 - x2 लिखे तो सिर्फ माइनस का डिफरेंस आता है और प्लस माइनस का डिफरेंस आता है तो स्केयर हो गया तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए 1 - 2 लिखो या 2 - 1। अब देखो, x1 - x2 स्केयर प्लस y1 - y2 स्केयर पूरे का स्केयर रूट। तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम 2, 3, 4, 1, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ये हमारे पास x1 है, ये y1, ये x2 y2। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x1 हमारे पास कितना है 2, x2 हमारे पास कितना है 4, 2 - 4 का स्केयर प्लस 3 - 1 का स्केयर, 2 - 4 - 2 का स्केयर प्लस 3 - 1 - 2 का स्केयर पूरे का रूट। माइनस 2 का स्केयर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 2 का स्केयर भी क्या आएगा, 4, पूरे का रूट हो जाएगा। 4 + 4 = 8 हो गया, 8 को हमने ब्रेक कर दिया 2 × 4 में। अब 4 किसका स्केयर रूट है, 4 का स्केयर रूट क्या है 2, तो बाहर लेके आएंगे 2 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, रूट 2। ये हमारे पास आ गया यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास -5, 7 and -1, 3, डिस्टेंस बिटवीन -5, 7 and -1, 3, इनके बीच के डिस्टेंस निकाल रहे हैं, क्या लगाएंगे, x1 - x2 - 5 - -1 का पूरे का होल स्केयर प्लस 7 - 3 का होल स्केयर आ जाएगा। -5 है, -1 का होल स्केयर प्लस 7 - 3 = 4 का स्केयर, माइनस का 5 + 1 - 4 आएगा, -4 का स्केयर 16 + 4 का स्केयर भी 16 + 16 = 32 आएगा। 32 को हमने ब्रेक कर दिया 16 × 2 के अंदर। अब 16 का स्केयर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4√2 यूनिट्स। थर्ड है हमारे पास AB and -A - B, डिस्टेंस बिटवीन AB and -A - B। हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई किया, a माइनस का स्केयर प्लस b माइनस b का स्केयर, a माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a + a का स्केयर प्लस b माइनस माइनस प्लस हो गया, b + b का होल स्केयर, a + a 2a का स्केयर हो जाएगा, 2a का स्केयर क्या आ जाएगा 4a स्केयर, b + b 2b2p का स्केयर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4b स्केयर। दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 को बाहर लेके आएंगे तो 2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√a² + b² ये हमारे पास है डिस्टेंस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है इन पॉइंट्स के बीच की, ये आपको दो पॉइंट्स दे रखे हैं। अब हमारे पास देखो पॉइंट क्या क्या है, 0, 0 and 36, 15, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने, तो अप्लाई किया डिस्टेंस बिटवीन 0, 0 and 36, 15, 36 - 0 का स्केयर प्लस 15 - 0 का स्केयर, 36 का स्केयर कर देंगे क्या आ जाएगा 1296 प्लस 15 - 0 कर दिया 15 का स्केयर 225, दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आएगा 1521 और इसका हमने स्केयर रूट निकाल दिया, इसका स्केयर रूट आया 39 यूनिट्स, तो हमारे पास ये आया 39 यूनिट्स। उसके बाद हम शो करके दिखा देंगे, यस वी कैन फाइंड द डिस्टेंस, एज्यूम टाउन ए एट ए ओरिजिन द पॉइंट 0, 0। हमारे पास जो टाउन ए है, आपको ये आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, ऐसे टाउन ए है जो ओरिजिन पर है, और दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है, टाउन बी दे रखा है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या है टाउन बी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमारे पास टाउन ए से टाउन बी की, तो क्या आया एट ओरिजन पॉइंट 0, 0, टाउन बी विल बी एट पॉइंट, टाउन बी इस पॉइंट पर, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन, तो हमें डिस्टेंस निकाल दी किस किस के बीच की, ए और बी के बीच की, कितनी आई 39 किलोमीटर।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 and -2, -11 आर कॉलिनियर। आपको तीन पॉइंट्स दे रखे और ये बोल रखा है कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं। सबसे पहले कंडीशन होती है, अगर पॉइंट्स कॉलिनियर है तो उसके लिए हमारे पास किन्हीं भी दो जो साइड्स हैं उनका सम, दो साइड्स की जो डिस्टेंस निकालेंगे उनका सम थर्ड के इक्वल आ जाए, मीन्स सबसे जो बड़ी साइड है उसके इक्वल आ जाए उन दोनों का सम, तो हम क्या बोल देंगे कि पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। तो अब हम डिस्टेंस निकालेंगे, उसके लिए देखो लेट पॉइंट्स को नाम दे दिया हमने, लेट ए 1, 5 हो जाएगा, बी हमारे पास 2, 3 हो जाएगा, सी हमारे पास -2, -11 हो जाएगा। फिर हमने डिस्टेंस निकाली ए बी, ए बी की डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर, 1 - 2 - 1 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 कितना आ जाएगा, √5 आ गया। इसी तरह से फिर बी सी निकालना, बी सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - - प्लस का 2 हो जाएगा, 2 + 2 का स्क्वायर प्लस 3 - - प्लस हो गया 11 का स्क्वायर, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 + 11 14 हो जाएगा, और 14 का स्क्वायर 1196, दोनों को प्लस कर दिया क्या आ जाएगा 212 और ऊपर स्क्वायर रूट। उसके बाद हमारे पास थर्ड है सी ए, सी ए के बीच की हमने डिस्टेंस निकाल ली तो क्या आ जाएगा, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 का स्क्वायर, -2 - 1 - 3 का स्क्वायर प्लस -11 - 5 - 16 का होल स्क्वायर। अब -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और -16 का स्क्वायर 256, दोनों को प्लस कर देंगे 265 आया। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 265 आ गई, और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो क्या इसके इक्वल है, इक्वल नहीं है, सिंस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, हैंस दिस पॉइंट्स आर नॉट ए कॉलिनियर, और अगर ये इसके इक्वल होता तो पॉइंट्स आर ए कॉलिनियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। चेक वेदर 5 - 2, 6, 4 and 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपको ये वर्टिसेस दे रखे और ये वर्टिसेस बोल रखा है आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं। अगर ये वर्टिसेस आइसोसेल्स ट्रायंगल के हैं तो हमारे पास आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो इट मींस टू साइड्स आर इक्वल, ए बी सी, ये हमारे पास दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास तीनों के वर्टिसेस हैं, ए हमारे पास क्या है 5 - 2, बी हमारे पास 6, 4 और सी हमारे पास 7 - 2। क्या करेंगे, ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, ए सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे और बी सी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तीनों की डिस्टेंस निकाली, ए बी इज इक्वल टू, ए बी की डिस्टेंस निकालने क्या आएगा 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर। अब 5 - 6 - 1 - 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 - 2 4, दोनों माइनस है तो -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 1 कितना आ जाएगा 37 का रूट। इसी तरह से फिर दूसरा क्या है, बी सी ले लिया हमने, ए बी ले लिया और बी सी ले लिया, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा कि ए बी हमारे पास √37 आ गया, बी सी निकालेंगे तो क्या आएगा 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 - - प्लस 2 का स्क्वायर, 6 - 7 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, 36 + 1 37 का रूट। थर्ड हमारे पास है सी ए, अब ये सी ए के इक्वल नहीं है, ये दो साइड इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, कि सी ए निकाल दिया क्या आया 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 - -2 का स्क्वायर, प्लस से माइनस का कैंसिल हो गया तो 7 - 2 - 4 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 0 - 4 4 किसका रूट होता है 2 का। तो हमारे पास दो साइड इक्वल आ गई, ए बी इज इक्वल टू बी सी एज टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, सो ए बी सी इज ए आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो हम क्या बोल देंगे, ए बी सी है वो क्या है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या दे रखी है, देखो इन ए क्लासरूम, एक क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी एंड ए डी। एक क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं जिनका ए बी सी डी में, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स, चंपा और चमेली एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और कुछ टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद चंपा चमेली से पूछती है डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, क्या तुम ये नहीं सोच रही कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, और जो चमेली है वो डिसएग्री, वो इससे सहमत नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड
विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके बताना है कि कौन सा करेक्ट है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। वर्टिसेस क्या है, ए हमारे पास यहाँ है, यहाँ पर देखो ए की वैल्यू क्या है, इधर से देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3, वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो हमारे पास पॉइंट कितना हो जाएगा 3 4, ए हमारे पास आया 3 4। इसी तरह फिर हमारे पास बी है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है 6 है और वाई की वैल्यू 7, तो बी हमारे पास क्या पॉइंट हो जाएगा 6 7। सी पॉइंट में हमारे पास एक्स की वैल्यू 9 है, वाई की वैल्यू 4, तो कितना आ जाएगा 9 4, सी पॉइंट आ गया। डी पॉइंट में हमारे पास देखो एक्स की वैल्यू 6 है और वाई की वैल्यू 1 है, तो कितना आ जाएगा 6 1 आ जाएगा। 4 पॉइंट्स आ गए। अब ये बोल रखा है कि ए बी सी डी, सी और ये डी, ये क्या है, एक स्केयर है। अगर ये एक स्केयर है तो क्या करना चाहिए, ए बी बी सी सी डी और ए डी, इन सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और डायगनल, डायगनल कौन कौन है, ए सी और ए बी डी। अगर डायगनल भी और सभी साइड इक्वल है तो स्केयर हो जाएगा। देखो करते हैं कैसे। ए बी सी डी हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब चार फ्रेंड्स की सिचुएशन है तो ए बी निकालेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू 3 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। 3 - 6 कर देंगे क्या आएगा -3, -3 का स्क्वायर 9, 4 - 7 आ जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 क्या आ जाएगा √18। इसी तरह फिर बी सी निकालेंगे। बी सी में हमारे पास 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर। 6 - 9 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 9 आ जाएगा, 9 + 9 √18 आ गया। इसी तरह सी डी निकालेंगे। 9 - 6 का स्क्वायर 4 - 1 का स्क्वायर। 9 - 6 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 √18 आ गया। इसी तरह फिर हमने निकाला डी ए। डी ए निकालेंगे 6 - 3 का स्क्वायर 1 - 4 का स्क्वायर। 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 1 - 4 -3 - 3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 आ जाएगा √18। अब हमारे पास सभी साइड्स इक्वल आ गई। साइड्स इक्वल आ गई तो हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, एक कंडीशन और है कि डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो डायगनल्स के लिए हमने क्या किया, डायगनल ए सी, ए सी हमने डायगनल निकाला। ए सी डायगनल की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 - 3 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 - 3 आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। 36 का रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6। इसी तरह दूसरा डायगनल क्या है हमारे पास, बी डी। बी डी डायगनल के लिए क्या आएगा, 6 - 6 स्क्वायर प्लस 7 - 1 स्क्वायर का रूट। 6 - 6 0, 0 का स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36। 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6। तो हमारे पास सभी साइड भी इक्वल है और सभी दोनों के दोनों डायगनल भी इक्वल हैं। तो क्या बोल देंगे, ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर सेम लेंथ एंड ऑल्सो द डायगनल्स आर सेम लेंथ, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चंपा वाज करेक्ट। तो चंपा है वो जो बोल रही थी वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेम ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है कि किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है। -1 - 2 - 1 - 0 - 1 - 2 - 1 - 3 - 0, उसके लिए हमें क्वाड्रिलेटरल के पॉइंट्स दे रखे, तो साइड्स निकालनी पड़ेंगी कि तभी ये पता चलेगा कि सभी साइड इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं या कैसे हैं, तभी हमें पता चलेगा किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने पहले निकालना है, पॉइंट्स को नाम दे दिया, लेट ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स। ए बी के डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी इज इक्वल टू -1 - 1 का स्क्वायर -2 - 0 का स्क्वायर। -1 - 1 - 2 - 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और -2 का स्क्वायर 4। 4 + 4 कितना आ जाएगा √8 आया। तो नेक्स्ट है हमारे पास बी सी। बी सी में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - - प्लस हो गया 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ भी -2 का स्क्वायर 4। 4 + 4 क्या आ जाएगा √8 आ गया। सी डी, सी डी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और -, प्लस हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 और इसका भी स्क्वायर 4, 4 + 4 √8 आया। इसी तरह से डी ए निकाल देंगे। -3 - - प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 + 2 का स्क्वायर। -3 + 1 -2 - 2 का स्क्वायर 4 + 4 4 + 4 √8। साइड्स तो हमारी सभी इक्वल आ गई। अब हम क्या करेंगे, डायगनल्स को भी देखते हैं कि डायगनल इक्वल आते हैं या नहीं।
डायगनल ए सी, ए सी हमारे पास डायगनल है, तो क्या करेंगे माइनस वन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन का स्क्वेयर, इससे ये कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास माइनस टू माइनस टू का स्क्वेयर, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर का स्क्वेयर 16, और 16 का रूट भी कितना आ जाएगा 4। डायगनल बी डी, बी डी हमारे पास डायगनल, उसका निकाल लेंगे फिर हम बी डी वन, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस थ्री का स्केयर और जीरो माइनस जीरो का स्केयर, थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्केयर 16, 16 का रूट 4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या है, सभी साइड्स भी इक्वल हो गए और डायगनल भी इक्वल हो गए, तो क्या बोल देंगे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड डायगनल ए सी इज इक्वल टू डायगनल बी डी, सो दिस इज ए स्केयर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक स्केयर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस थ्री फाइव, थ्री वन जीरो थ्री एंड माइनस वन माइनस फोर, लेट ए इज इक्वल टू माइनस थ्री फाइव, ए बी सी डी हमारे पास फोर पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी की, ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस थ्री का स्क्वेयर, फाइव माइनस वन का स्क्वेयर, माइनस थ्री माइनस सिक्स का स्क्वेयर 36, फाइव माइनस वन फोर, फोर का स्क्वेयर 16, दोनों को प्लस कर देंगे क्या आएगा रूट 52। नेक्स्ट है बी सी, बी सी में हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री माइनस जीरो का स्क्वेयर प्लस वन माइनस थ्री का स्क्वेयर, ये हमारे पास जीरो है तो थ्री में जीरो घटाएं थ्री, थ्री का स्क्वेयर नाइन और वन माइनस थ्री, माइनस टू का स्क्वेयर फोर, नाइन प्लस फोर रूट है 13। इसी तरह सी डी निकाल लेंगे, जीरो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जीरो प्लस वन का स्क्वेयर और थ्री प्लस है फोर का स्क्वेयर, वन का स्क्वेयर वन आ जाएगा और फोर थ्री सेवन, सेवन का स्क्वेयर 49, प्लस कर देंगे रूट 50 आ जाएगा। डी ए, डी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस थ्री का स्क्वेयर और माइनस फोर माइनस फाइव का स्क्वेयर, थ्री में से वन जाएगा टू, टू का स्क्वेयर फोर, माइनस फाइव माइनस फोर माइनस नाइन, नाइन का स्क्वेयर 81, प्लस कर देंगे 85 आ गया। अब देखो सभी के सभी नॉट इक्वल हैं, तो क्या बोल देंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी डी, नॉट इक्वल टू डी ई की कोई भी इक्वल नहीं है, इट इज़ ओनली ए जर्नल क्वाड्रिलेटरल, तो क्या बोल देंगे एक जर्नल क्वाड्रिलेटरल है एंड नॉट ए स्पेसिफिक, जो कि एक स्पेसिफिक नहीं है एज ए स्क्वेयर रेक्टेंगल एक्सेट्रा। जैसे हमारे पास स्क्वेयर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, ये तो हमारे पास क्या स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल है, बट जो हमारे पास जिसकी साइड से इक्वल नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि वो कोई भी स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, वो सिर्फ जनरल एक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, फोर फाइव सेवन सिक्स फोर थ्री वन टू, हमारे पास फोर पॉइंट्स दिए हुए हैं, सबसे पहले नाम मेंशन करेंगे, लेट ए बी सी डी आर फोर पॉइंट्स, ए बी इज इक्वल टू, ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे फोर माइनस सेवन का स्क्वेयर प्लस फाइव माइनस सिक्स का स्क्वेयर, फोर माइनस सेवन माइनस थ्री का स्क्वेयर नाइन, फाइव माइनस सिक्स माइनस वन का स्क्वेयर वन, नाइन प्लस वन रूट ए 10 आ जाएगा। फिर बी सी निकालना, 7 माइनस फोर का स्क्वेयर प्लस 6 माइनस थ्री का स्क्वेयर, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वेयर 9 और 6 माइनस 3, 3, 3 का स्क्वेयर 9, 9 प्लस 9 आ जाएगा रूट 18। नेक्स्ट है सी डी, 4 माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वेयर, 4 माइनस 1, 3, 3 का स्क्वेयर 9 प्लस 3 माइनस 2, 1, 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा, 9 प्लस 1 रूट 10 आया। डी ए, डी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, वन माइनस फोर का स्क्वेयर प्लस टू माइनस फाइव का स्क्वेयर, वन माइनस फोर माइनस थ्री का स्क्वेयर नाइन प्लस टू माइनस फाइव माइनस थ्री का स्क्वेयर नाइन, नाइन प्लस नाइन रूट 18। अब देखो ए बी है वो किसके इक्वल आ रहा है, सी डी के, बी सी है वो डी ए के इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल आ रही हैं, क्या लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी ए एंड डायगनल निकालना, फिर हमने डायगनल निकाल लेंगे ए सी, ए सी डायगनल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए हमारे पास दे रखा है फोर फाइव और बी हमारे पास दे रखा है सेवन सिक्स, सी हमारे पास पॉइंट दे रखा है फोर थ्री और डी हमारे पास है वन टू, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ए सी निकाल लेंगे, ए सी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर माइनस फोर का स्क्वेयर फाइव माइनस थ्री का स्क्वेयर, ये जीरो हो जाएगा, फाइव माइनस थ्री थ्री टू, टू का स्क्वेयर रूट भी निकाल लें, स्क्वेयर करेंगे फोर, फोर का रूट है टू आ जाएगा। अब इसी तरह से बी डी निकाल लेंगे, सेवन माइनस वन का स्क्वेयर प्लस सिक्स माइनस टू का स्क्वेयर, सेवन माइनस वन सिक्स, सिक्स का स्क्वेयर 36 प्लस 16, प्लस कर देंगे रूट 52, इसको अगर हम ओपन करेंगे 13 रूट 2। तो ये हमारे पास डायगनल इक्वल नहीं है, तो क्या बोल देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल, सो देर आर ए पैरेललोग्राम। अगर हमारे पास डायगनल्स भी इक्वल हो जाते तो क्या हो जाता, एक रेक्टेंगल हो जाता, लेकिन अगर डायगनल इक्वल नहीं है तो क्या है, ये एक पैरेललोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन,
फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 माइनस 5 एंड माइनस 2 9। जो इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस होता है सेम डिस्टेंस पर। मान लिया हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है एक्स, यहाँ पर इस पॉइंट का हमने नाम रख लिया, कोई भी नाम रख सकते हैं, मान लिया पी नाम रख दिया, जिसका है कि एक्स एक्सिस पर है। अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स की कोई वैल्यू होगी वाई, हमारे पास वहाँ क्या होगा जीरो। और ये हमारे पास ए पॉइंट रख लिया, ये बी पॉइंट है। अब देखो पी से ए की डिस्टेंस और पी से बी की डिस्टेंस इक्वल होगी क्योंकि दोनों इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मीन्स सेम डिस्टेंस पर। तो क्या लिखा, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी क्या आ जाएगा एक्स जीरो, डिस्टेंस बिटवीन एक्स जीरो एंड ए माइनस टू 2 माइनस 5। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकाली जिसका नाम मैंने रख दिया पी ए। पी ए हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 2 का स्केयर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्केयर, x माइनस 2 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर। अब डिस्टेंस बिटवीन पी बी, पी और बी के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसका नाम क्या रख दिया पी बी। x प्लस 2 का स्केयर प्लस 0 माइनस 9 का स्केयर, x प्लस 2 का स्केयर माइनस 9 का स्केयर हो जाएगा। अब दोनों सेम है क्योंकि इन्होंने दे रखा है कि डिस्टेंस इक्वल है। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो क्या लिख देंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये कंडीशन आ जाएगी। तो क्या लिख देंगे पी ए हमारे पास x माइनस 2 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर पूरे का रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का स्केयर प्लस माइनस 9 का स्केयर। स्केयर रूट से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, इसका स्केयर ओपन करेंगे ए माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, एक्स स्केयर माइनस 2 का प्लस 4 हो जाएगा और माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा और 9 का स्केयर 81। इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 4 है, इधर भी 4। माइनस का 4x है, इसको इधर लेके आए माइनस 4x इज इक्वल टू 81, इधर लेके आए माइनस 25, ये माइनस 8x आ जाएगा इज इक्वल टू 56, एक्स इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा माइनस 56 बाई 8, 8 से कैंसिल कर देंगे 7, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई माइनस 7। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हमने निकाल दी माइनस 7 और y क्या है हमारे पास वहाँ 0। तो ये हमारे पास पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। p और q के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट्स है, y की वैल्यू निकालेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट्स। p और q के बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगी 2 माइनस 10 का स्केयर प्लस माइनस 3 माइनस 4 वाई का स्केयर, ये हमारे पास y है इज इक्वल टू 10। 2 माइनस 10 कर देंगे माइनस 8 का स्केयर प्लस 3 माइनस 3 माइनस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 10। इधर हमारे पास रूट है, रूट को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा, या फिर क्या लिख देंगे स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्केयरिंग अगर बोथ साइड्स कर देंगे तो हमारे पास इधर तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा माइनस 8 का स्केयर 64 प्लस इसका स्केयर इज इक्वल टू 10 का स्केयर क्या हो जाएगा 100। तो ये आ जाए 64 प्लस माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, माइनस 1 का स्केयर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा वाई प्लस 3 का स्केयर इज इक्वल टू 100। अब वाई प्लस 3 का स्केयर इज इक्वल टू 100, इसको इधर लेके आए माइनस 64 क्या आ जाएगा 36। तो वाई प्लस 3 इज इक्वल टू स्केयर को उधर लेके गए रूट हो जाएगा 36, किसका रूट है 6 का, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, प्लस माइनस 6 और माइनस 3 आ जाएगा, एक बार प्लस लिया तो क्या आ जाएगा प्लस 6 माइनस 3 और माइनस लेंगे तो माइनस 6 माइनस 3, तो जब प्लस लिया तो क्या आ जाएगा 3 वैल्यू आ जाएगी और माइनस लेंगे तो माइनस 9, दो वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ क्यू 01 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पी 5 माइनस 3 एंड आर एक्स 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। हमें क्यू एक पॉइंट दे रखा है जो इक्विडिस्टेंट है किससे पी और आर से, मीन्स पी से क्यू की डिस्टेंस और पी से आर की डिस्टेंस है, क्योंकि क्यू इक्विडिस्टेंट है तो पी से क्यू की डिस्टेंस और आर से क्यू की डिस्टेंस है वो इक्वल है। तब हमें वैल्यू निकालनी किसकी एक्स की, यहाँ पे एक्स दे रखा है इसकी वैल्यू निकालनी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, फिर जब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें क्या निकालना है क्यू आर और पी आर की वैल्यू अप्लाई करके निकालनी है। देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर लिखेंगे, पी क्यू की डिस्टेंस क्या आ जाएगा 5 माइनस 0 का स्केयर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का स्केयर इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 माइनस एक्स का स्केयर कर देंगे और 1 माइनस 6 का स्केयर। अब इसके स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा 5 माइनस 0 25 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 का स्केयर 16 हो जाएगा।
इज इक्वल टू यहाँ माइनस एक्स का स्केयर एक्स स्केयर प्लस वन माइनस सिक्स माइनस फाइव का स्केयर 25, ये कैंसिल हो जाएगा 25 है, इधर इधर प्लस कर देंगे 41, अब 25 को उधर लेके जाएंगे 41 माइनस 25 कितना आएगा 16, तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू 16, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। पॉइंट हमारे पास क्या आएंगे, एक बार प्लस का ले लेंगे एक बार माइनस का, तो प्लस का लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 6 हो जाएगा, और जब हम माइनस का लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 4 6 है। अब वैल्यू अप्लाई कर दो, वेन आर इज़ 4 6, जब हमारे पास आर कितना है 4 6 है, तब हमारे पास पी आर क्या आ जाएगा, पी हमारे पास पॉइंट दे रखा है 5 माइनस 3 आ गया, और क्या हुआ हमारे पास पॉइंट है 0 1, और आर पॉइंट हमारे पास आ गया, तो हमने पी आर निकाला। पी आर निकालने के लिए क्या किया, 5 माइनस 4 का स्केयर माइनस 3 माइनस 6 का स्केयर, 5 में से 4 गया 1 1 का स्केयर 1 प्लस माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 स्क्वेयर कर देंगे 81 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 82। इसी तरह से फिर क्या आर निकालना है हमें, क्या आर क्या आ जाएगा 0 माइनस 4 का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वेयर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट 41 आ जाएगा। इसी तरह से फिर दूसरा पॉइंट क्या है, आर की वैल्यू हमारे पास क्या थी, नेगेटिव भी थी, तो क्या ले लेंगे माइनस 4 6, माइनस 4 6 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू 5 प्लस 4 का स्क्वेयर प्लस माइनस 3 माइनस 6 का स्क्वेयर, 5 और 4 कितना आ जाएगा 9 9 का स्क्वेयर कर देंगे 81 प्लस, इसी तरह से इसका स्केयर माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 9 का स्केयर 81, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या लिख देंगे 9√2। इसी तरह फिर क्या हुआ आर निकाल लेंगे, 0 प्लस 4 का स्केयर 1 प्लस माइनस 6 का स्केयर, 0 प्लस 4 4 4 का स्केयर 16 प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 25, ये भी क्या आ जाएगा 41, ये हमारे पास इसके पॉइंट्स आए। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, है क्वेश्चन नंबर 10, स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालना है सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंस है, इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस और इससे इसकी डिस्टेंस इक्वल है, तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है, तो क्या करेंगे पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स, फर्स्ट को दे लेके चले एक्स माइनस 3 का स्केयर प्लस वाई माइनस 6 का स्केयर, पूरे का रूट इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्केयर हो जाएगा वाई माइनस 4 का स्केयर, पूरे का रूट, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचा एक्स माइनस 3 स्केयर प्लस वाई माइनस 6 स्केयर इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा एक्स प्लस 3 स्केयर प्लस वाई माइनस 4 स्केयर, इसका करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, एक्स स्केयर प्लस 9 माइनस 3 टू जा 6x प्लस वाई स्केयर प्लस 6 का 36 और माइनस 6 टू जा 12y इज इक्वल टू, इसका स्केयर ओपन करेंगे एक्स स्केयर प्लस 3 2 6x प्लस 9 आ जाएगा, और इसका करेंगे वाई स्केयर प्लस 4 का स्केयर 16 माइनस 4 टू जा 8y, अब देखो वाई स्केयर से वाई स्केयर कैंसिल, एक्स स्केयर से एक्स स्केयर कैंसिल, प्लस का 9 था इधर प्लस का 9 था ये भी कैंसिल, इधर आया माइनस 6x, इधर से भी लेके आए माइनस 6x, इधर माइनस 12y है इससे लेके आए प्लस 8y इज इक्वल टू, इधर 16 था इसको इधर लेके आएंगे माइनस 36, ये आ जाएगा माइनस 12x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 20, इधर माइनस कॉमन ले लेंगे और साथ में 4 कॉमन ले लेंगे, इधर से माइनस 20 है तो माइनस 4 कॉमन लेते क्या आ जाएगा 4 3 12x 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल कर देंगे इसको इधर लेके आए डिवाइड में 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/4, 4 से कैंसिल कर देंगे 5, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई इसको इधर लेके आए माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या आ गया x और y के बीच का रिलेशनशिप। ये थी हमारी एक्सरसाइज 10.1, ओके सॉरी 7.1, ओके थैंक यू।